नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मनोज सर। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, आज के हमने जो क्लास शुरू की है वो है इन्फिनिटिव और जीरंड। हालांकि हम पढ़ चुके हैं इन्फिनिटिव और जीरंड क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे इनको फाइंड आउट करना होता है, सारा कुछ डिटेल में, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए एक सेंटेंस में कहाँ पे हमें जीरंड यूज करना चाहिए और कहाँ पे हमें इन्फिनिटिव यूज करना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा तो उसमें मुझे पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट में मुझे जीरंड या इन्फिनिटिव यूज करना है, ये मस्ट बात है, ठीक है। और ये भी हमें, हम दोनों ये जो पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो दोनों ही है ना, ये नाउन के इक्विवेलेंट यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? अर्लियर हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, वो क्या होती है? इन्फिनिटिव होती है। जैसे एक वर्ब है ईट, ठीक है, और अगर इससे पहले मैंने टू लगा दिया तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। लेकिन एक बात और याद रखनी है, इन्फिनिटिव जहां भी आएंगे तो वो रीजन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इन्फिनिटिव रीजन शो करते हैं, ठीक है। तो याद रखना इस बात को कि इन्फिनिटिव किस काम में आते हैं? रीजन शो करने, रीजन शो करते हैं, ठीक है। ओके भाई, हाँ, जैसे टू ईट अभी हमने लिखा है, हाँ, और ओके, फिर है जीरंड। जीरंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ है। ओके, जैसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद में आईएनजी, जैसे वॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, है ना, जैसे वर्किंग, है ना, और जैसे फ्लाइंग, है ना, ईटिंग, गोइंग, ये सारे क्या है? जीरंड है। अब जीरंड जो है ना, दो जगह यूज हो सकते हैं, याद रखना। सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, और इसी का एक वर्ब जो हम इज कंटिन्यूस में यूज करते हैं, याद होगा आपको, कंटिन्यूस टेंस में हम यूज करते हैं आईएनजी को, वो होता है पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसलिए इनमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पार्टिसिपल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जीरंड होता है। दोनों में फर्क क्या होता है कि जीरंड तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, और जो आपकी पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो क्या बनेगी? वर्ब बनेगी, ठीक है। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इज गोइंग, इज के साथ गोइंग आ रहा है तो ये वर्ब है, ठीक है, और कंटिन्यूस में यूज हो रहा है। ओके, तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस जो है, इन दोनों में हमने ऑब्जेक्ट में ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है कि हमने क्या यूज किया है, जीरंड और इन्फिनिटिव, ठीक है। देखिए, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप्ड वर्ब हो गया, आई फिर से सब्जेक्ट और स्टॉप्ड वर्ब, I stopped, अगर इससे आंसर लेंगे तो आएगा why, I stopped to why, मैं क्यों रुका, to eat, to ask, क्यों रुका, to ask, तो ये किसका आंसर दे रहा है, why का आंसर दे रहा है, यानी ये रीजन को शो कर रहा है ना, मैं क्यों रुका, to ask, मैं ये पूछने के लिए रुका, क्या किसके, फोर डायरेक्शन, रास्ता पूछने के लिए रुका, ठीक है। यानी इसने क्या कर दिया भाई, इसने शो कर दिया आपका रीजन, और ये बन गया है एडवर्ब ऑफ रीजन, क्या बन गया है, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। तो मोस्टली इन्फिनिटिव जो ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं वो एडवर्ब बनते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर प्रीपोजिशन हो गया है और डायरेक्शन रास्ता ऑब्जेक्ट हो गया है, किसका ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का, ठीक है। ओके भाई, इसको समझते हैं, आई स्टॉप, मैं रुका आस्किंग, पूछने के लिए, आस्किंग का मतलब होता है पूछने के लिए,
और ये बन रहा है आपका ऑब्जेक्ट, और क्या है ये जीरंट, ठीक है। तो फॉर डायरेक्शन, फॉर फिर से प्रीपोजिशन और डायरेक्ट फिर से ऑब्जेक्ट, इसका इस प्रीपोजिशन का। अब सिंपल सी बात है कि भाई हमें एक सेंटेंस में आस्किंग यूज करना चाहिए, टू आस्क यूज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हमें अगर इन दोनों का ये फंडा पता लग जाए ना कि आस्किंग और टू आस्क में फर्क क्या है, तो फिर हमारी लैंग्वेज बोलने और समझने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी आसान हो जाएगी और ज्यादा वाइडर हो जाएगी, ठीक है। तो आस्किंग और टू आस्क डिफरेंस क्या है, देखिए दो सेंटेंस हैं, दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट चेंज किया है, एक में आस्किंग रख दिया, एक में टू आस्क। अगर इन दोनों को समझना है तो थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा हमें इन सेंटेंस में, ठीक है। इन सेंटेंस में हमने लिखा है आई स्टॉप्ड टू ईट, मैं रुका टू ईट, क्यों रुका भाई, खाने के लिए रुका, मतलब मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं रुका। अगर मैं यहां पे मान लो ईटिंग कर देता हूं तो क्या सही होगा, आई स्टॉप्ड ईटिंग का मतलब क्या हुआ कि मैंने खाना छोड़ दिया है। ये देखिए आई स्टॉप्ड मैंने छोड़ दिया है ईटिंग, खाना। अब क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, ये ऐसे यूज नहीं हो सकता, ये इस तरीके से यूज हो सकता है, आई स्टॉप टू ईट, मैं रुका। और अगर इसको रुकने के सेंस में लेते हो, आई स्टॉप ईटिंग, मैं रुका, तो यहां पे रीजन होना चाहिए क्यों रुका। अगर यहां पे आप इसको ले रहे हो रुकने के सेंस में स्टॉप्ड को, तो इसका रीजन होना चाहिए मैं क्यों रुका। अगर रीजन नहीं है ना तो ये सही नहीं है, इसका मतलब ये वाला सही है और ये वाला जो है ना ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये हमने समझ लिया दोनों, ठीक है। इसके बाद में आई स्टॉप्ड, मैं रुका या मैंने बंद कर दिया है, स्टॉप में बंद करना भी होता है रुकना भी होता है। तो इन दोनों में सेंस को समझने के लिए हमें टू स्मोक या स्मोकिंग दोनों को देखना पड़ेगा। देखते हैं एक बार, आई स्टॉप्ड, मान लो मैं यहां पे मैं रुका समझ लेता हूं, मैं रुका, मैं क्यों रुका, उसका कारण चाहिए मैं, अगर कारण चाहिए तो टू स्मोक ही वहां पे आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो टू स्मोक आएगा तो मैं क्यों रुका, मैं रुका स्मोक करने के लिए, इसलिए मैं रुका। अब अगर बात करें इन दोनों सेंटेंसेज में, इसमें और इसमें कंपैरिजन करें, इसमें ये पहले समझेंगे एक बार, मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, तो ये तो समझ गए आप, आई स्टॉप टू स्मोकिंग, मैं रुका स्मोकिंग करने के लिए, ठीक है। अब इसको समझते हैं, मतलब मैं चल रहा था, आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा था, आई एम स्टॉप, मैं रुक गया, स्टॉप्ड, मैं रुक गया, और आई स्टॉप वॉकिंग, मैंने चलना बंद कर दिया, वाई, क्यों मैंने बंद कर दिया। अब क्यों का आंसर क्या आ रहा है, टू स्मोक, मैं स्मोक करने के लिए रुका, इसका मतलब ये सेंटेंस एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले देखते हैं, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, अब यहां पे अगर मैं रुका वाला सेंस लेते हैं, मान ले एक बार मैंने कहा मैं रुका, स्मोकिंग, मैं रुका। अब यहां पे मैं रुका हूं तो इसका कारण बताना पड़ेगा, जबकि रीजन कौन बताते हैं, इन्फिनिटिव बताते हैं, जीरण नहीं बताते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं रुका जो है ना वो पूरा सेंस नहीं देता है, यहां पे पूरा सेंस देता है स्टॉप यानी बंद कर देना, मैंने बंद कर दिया है, ठीक है, मैंने क्या बंद कर दिया, स्मोकिंग बंद कर दिया है, मैंने स्मोक करना ही बंद कर दिया है, अब इसका मतलब चेंज हो गया है, ठीक है। तो इनको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हमने टू आस्क वाई और एडवर्ब ऑफ रीजन बताया था, इसे आप इन्फिनिटिव भी बताओगे, क्या बताओगे, इन्फिनिटिव, वैसे ही टू स्मोक को भी क्या बताओगे, इन्फिनिटिव बताओगे, स्मोकिंग को जीरंड बताओगे, ठीक है।
और स्टॉप्ड वर्ब है ही और आई जो है आपका सब्जेक्ट है। ओके, अब मैं ये वाला सेंटेंस, आई स्टॉप्ड टू वॉक और आई स्टॉप्ड टॉकिंग, आई स्टॉप्ड टू टॉक और आई स्टॉप्ड टॉकिंग में दोनों सही कौन सा है, ये मैं नहीं बताने वाला हूं, ये आपके लिए है कि आई स्टॉप्ड टू टॉक और आई स्टॉप्ड टॉकिंग दोनों में से सही कौन सा है, कमेंट करके बताएं। और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ये भी बताएं कि सर आप बताएं ये समझ में नहीं आया है, मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्लास लगी कैसी उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि ये क्लास ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हीं को पढ़ना चाहिए, या फिर जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं को पढ़ना चाहिए, या फिर जो पीजी वगैरह कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड की कर रहे हैं, उन्हीं को पढ़ना चाहिए, नहीं, ये सब के लिए है, इक्वली सब पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चैप्टर बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको, ठीक है, और इनक्रेज करिएगा ताकि ऐसे ही बढ़िया टॉपिक कहीं से और प्रिपेयर करके हम लोग ला सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से वीडियो के साथ, टिल देन नमस्कार, गुड बाय।